नमस्कार दोस्तों पुरुषोत्तम भाई राम राम जय श्री राम नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारी क्लास रोज़ रहती है साढ़े आठ बजे रहती है कभी कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाता हूँ तो ग्रुप में मैसेज डाल देता हूँ हमारा एक लर्निंग ग्रुप है जो लोग नए जुड़ रहे हैं या जो लोग अभी न्यू न्यू सब्सक्राइब सब्सक्रिप्शन किया है हमारे चैनल का तो आप लोगों को बता दूं कि नीचे आप पुरुषोत्तम भाई ग्रुप में ये लिंक डाल दो अपने ग्रुप में लाइव सेशन का तो ये जो क्लास रहती है हमारी पढ़े रहती है लर्निंग ग्रुप के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्लास कितने बजे चालू होने वाली है ठीक है तो आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा जैसा कि लोगों को पता है आज निफ्टी की एक्सपायरी थी है ना और निफ्टी की ज़बरदस्त एक्सपायरी हुई आज मज़ा ही आ गया आज हमें डाउन साइड का भी बहुत अच्छा मोमेंट मिला और अप साइड का भी हमें बहुत अच्छा मोमेंट मिला मार्केट जितना नीचे गया आप लोग देख ही पा रहे होंगे कैसा मोमेंट हुआ है आज भारी भरकम वाला है ना तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास तो कौन कौन आ गया भैया फटाफट ज्वाइन कर लिया करो यार मैसेज डालने के बाद भी चलो तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या है वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है ओके okay, चलो बहुत बढ़िया ठीक है, है भैया सभी लोग तो पहले तो ये बताइए आप लोगों में से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब लोगों में से किस किसने आज प्रॉफिट किया है कमेंट करके बताइए किस किस ने आज प्रॉफिट किया है और ज़बरदस्त प्रॉफिट किया है क्योंकि तो मार्केट का मूवमेंट तो देखो आप लोगों को पहले ही पता चल जाता है अपने लर्निंग ग्रुप के थ्रू मॉर्निंग में ही आप लोगों को इंटीमेशन मिल जाता है कि भैया आज मार्केट मोमेंट कर सकता है अब आप नहीं करो सीखो नहीं तो अलग चीज़ है बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं किसी भी प्रकार का आप लोगों को ट्रेड सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता हूं ये हमारा लर्निंग ग्रुप है और लर्निंग ग्रुप में आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं वही चीज़ें आप लोगों को सिखाता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ है ना तो सीखते रहिए समझते रहिए और बढ़िया छापते रहिए चलो मैसेज भी छोड़ दिया मैंने ग्रुप में और सभी लोग ज्वाइन हो जाओ चलो शुरू करते हैं आज की क्लास ओके एवरी इज़ गुड वॉइस वगैरह बराबर आ रही है चलिए ठीक है भैया दिनेश जी आ गए दिनेश कुमार जी राम राम जी प्रॉफिट ओके पुरुषोत्तम ने किया है ठीक है भैया पुरुषोत्तम कुमार बहुत बढ़िया प्रॉफिट किए हो तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी क्या बना था क्यों बना था कैसे बना था उसके पहले ये तो गड़बड़ हो गया टीवी mm ऑन -hmm. कर दो तो मैडम थोड़ा सा चलिए कुछ वीडियो रिकॉर्ड किया था मैंने आप लोगों के लिए वीडियो कल मैं शो कर दूंगा मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो रिकॉर्ड किया था कि कहाँ पे क्या सेटअप बना था क्यों ट्रेड लिया गया था चलो कोशिश करता हूँ अभी दिखाने के लिए ऑन कर दी टीवी चलिए ठीक है तो उस टॉपिक पे वो वीडियो वाले टॉपिक पे हम बाद में आएंगे तब तक हमारा टी वी वगैरह ऑन हो जाए थोड़ा लेट हो गया था इस वजह से थोड़ा सा सब काम डिले चल रहा है तो आज मैंने ट्रेड लिया था भैया आप लोगों को रियल रियल बताऊँ अभी वीडियो दिखाऊँगा आप लोगों को क्यों लिया था ट्रेड कैसे लिया था क्या रीज़न था आज मैंने पहले तो सोचा था कि स्कैल्पिंग करूँगा है ना तो मैंने चार्ट को लगाया था वन मिनट टाइम फ्रेम में आज मैंने वन मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड किया और देखिए आज मैंने ट्रेड यहाँ पे मारा था पहला ट्रेड मेरा अभी वीडियो दिखाऊंगा आप लोगों को टीवी चालू हो जाए चलिए देखिए यहाँ पे मैंने देखा अरे भाई साहब क्या बोल रहा है गया हम्म ये आपका यहाँ पे मैंने एक मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट को लगाया चार्ट को लगाने के बाद पेन भी नहीं चल रहा बताइए कोई तैयारी नहीं किसे काम चलेगा ठीक तो है चले सभी को राम राम जय सिंहवास युवा मंडल ठीक है भैया युवा मंडल जी मांगी दीदी राम 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 राहुल राम राम कल्पेश भाई राम राम पिनाकी दीदी राम राम चलो ये हमारा पेन भी आ गया और हमारा सब कुछ आ गया यहाँ पे अब देखो यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम लगाया वन मिनट का मॉर्निंग में मैंने सोचा आज इसकेल्पिंग करूँगा रीज़न उसका ये था कि जब मैंने देखा आप लोगों को कल की क्लास में बताऊँ कल की क्लास में मैंने डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को बताया था क्या बताया था भैया क्या बताया था भूल जाते हो आप लोग देखो डेली टाइम फ्रेम में मैंने इस तरह का कुछ आप लोगों को कल पोजीशन बताई थी कौन सी पोजीशन बताई थी भैया कि आप लोग कल की क्लास जाके देख लेना ठीक है जिन्होंने नहीं देखी हो वो कल की क्लास जाके देख लेना कि भैया ने ऐसा बताया था कि नहीं बताया था देखो कल सेम टू सेम मैंने बोला था कि एक बार यहाँ पर टच किया है इस कैंडल में फिर यहाँ पर टच किया है स्कैंडल में फिर तीसरी बार यहाँ पर स्कैंडल में फिर चौथी बार स्कैंडल में ठीक है ना जब चार बार टच कर चुका था तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने ऐसा कुछ ड्रॉ करके दिया था कि नहीं दिया था हुँ? कमेंट करो ज़रा किया था ना ऐसे ड्रॉ कल की क्लास देख लेना जिन्होंने जिनको बिलीव नहीं हो वो लोग कल की क्लास देखेंगे भैया इसके बाद ही बात करेंगे हमसे तो ये मैंने आप लोगों को इस तरह का कल डंडा लगा के दिया था और आप लोगों को क्लियरली बोला था कि मार्केट कल जो है अप साइड जाएगा ठीक है ना अब हुआ यूँ कि मार्केट आज गैप अप ही ओपन हो गया और गैप अप भी कितना लगभग लगभग एक सौ साठ पॉइंट का गैप अप ओपन हो गया है ना एक सौ साठ पॉइंट का जब गैप अप ओपन हुआ तो मैं यहाँ पे समझ गया था कि जब ये एक सौ साठ पॉइंट का गैप अप कर रहा है और अपने पुराने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ओपन हो रहा है तो ये एक झटके में नीचे आएगा ही आएगा उसके बाद अगर उसको ऊपर जाना होगा तो उसके बाद ही ऊपर जाएगा ठीक है ये मेरा कल का प्रोडिक्शन था है ना तो मैंने क्या करा इसको चार्ट को मॉर्निंग में मैंने वन मिनट टाइम फ्रेम में लगा लिया कितने मिनट में लगा लिया वन मिनट टाइम फ्रेम में अब देखो पंद्रह सौ रुपये पंद्रह सौ लोग देख रहे हो यूटूब में लाइव और कमेंट और लाइक इतने कम ऐसे कैसे चलेगा नहीं चलेगा ना तो कमेंट और लाइक करते रहिए बढ़िया चलता रहेगा देखिए यहाँ पे मैंने वन मिनट टाइम फ्रेम में लगाया यहाँ पे मैंने वेट किया कि अब ये थोड़ा सा कुछ तो बने इसके बाद यहाँ पे मैंने लगा लिया डंडा आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि अपना जो ज़बरदस्त काम चलता है वो एक पे ही चलता है और डंडा बस घुमाया और इतने में काम हो गया मैंने ये डंडा लगाया भाई साहब ये और मेरी इंट्री इसी कैंडल में हो गई थी इस कैंडल में मेरी एंट्री हो गई थी इस कैंडल में एंट्री होने के बाद आप देखो कंटिन्यू कंटिन्यू कोई भी कैंडल आपको यहाँ पे ग्रीन नहीं मिलेगी थोड़ा बहुत तो डराने के लिए आपको ये करेगा जैसा कि हुआ भी था है ना और एक जगह और डराएगा वो भी पोजीशन पे ला आपको दिखाऊंगा वीडियो शायद आप लोगों को वहाँ पे दिखा पाऊँ देखता हूँ अगर ओपन हो गया ओए होए क्या कर दिया मैंने चलो ठीक है ठीक है ठीक है बढ़िया है तो यहाँ पे एक बार टी वी कनेक्ट हो जाए हाँ यहाँ पे ये डंडा लगाया मैंने ये नीचे साइड का मैंने ट्रेड मार दिया और यहाँ पे मस्त एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था इसके बाद में जब एक ट्रेड में मुझे, मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया अब तो मेरा पावर बढ़ गया पावर क्यों बढ़ गया भैया आप लोगों को पता है प्रॉफिट हो गया और अच्छे सेटअप पे प्रॉफिट हुआ इसकेल्पिंग करी थी मैंने है ना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ फिर वन मिनट टाइम फ्रेम में तब भी मैं देख रहा था इसके बाद में मैंने शिफ्ट शिफ्टिंग कर ली अपनी फाइव मिनट मतलब पाँच मिनट पंद्रह मिनट और वन मिनट दोनों मैंने एक साथ ओपन करके रखे थे दोनों तीनों और वहाँ पे ये देख रहा था कि चल क्या रहा है ठीक है ना अब यहाँ पे आप देखोगे ये इस कैंडल तक का मैंने प्रॉफिट खाया वन मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे ला के रखा कहाँ पे चार सौ पैंसठ बाईस हज़ार चार सौ पैंसठ कहाँ से मैंने ट्रेड मारा इस कैंडल में मेरा ट्रेड लगा था पाँच सौ सैंतालीस यहाँ बाईस हज़ार पाँच सौ सैंतालीस आ रहा है और यहाँ पे बाईस हज़ार चार सौ यहाँ पे छाछठ पैंसठ आ रहा है तो ये मैंने मैंने पूरा प्रॉफिट खाया है यहाँ पे लगभग लगभग अस्सी नब्बे पॉइंट का है ना अब हुआ यूँ कि मैंने इसको जब पाँच मिनट में लगाया तो पाँच मिनट तो मिन में ये कैंडल आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ये जो यहाँ पे थोड़ा सा अप डाउन ये बना हुआ है ना यहाँ पे वन मिनट टाइम फ्रेम में ये कंडीशन बन रही थी यहाँ पे फिर हमारा क्या लग रहा था डंडा लग रहा था यहाँ पे वन मिनट में मैंने डंडा लगाया वन मिनट में डंडा लगाया यहाँ पे पाँच मिनट टाइम फ्रेम में मैंने डंडा लगाया ये मैंने फिर से यहाँ पे ये डंडा लगाया और जैसे ही जैसे ही ये रेड वाली कैंडल ने हमारे नीचे वाले डंडे को ब्रेक किया वैसे फिर इंट्री ले ली थी मैंने फिर इंट्री ले ली थी ठीक है इसके बाद आप देखो इसके बाद देखो एक झटके में हमारा प्रीमियम बढ़ा है अब आप लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ क्या बोलता रहता हूँ आप ज़्यादा चीज़ें मत फॉलो करो इसको निकाल दो इसको भी निकाल दो एक चीज़ लगा के रखो बस थर्टी ई एम ए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का थर्टी वाला सेटिंग करके रख लो और बस ये करते जाओ इसको फॉलो कर लोगे आपका कभी लॉस नहीं होगा बट उस पर ध्यान ये रखना है विशेष ध्यान क्या रखना है कि हमेशा ध्यान रखना कि थर्टी ई एम ए को कैंडल्स जब ब्रेक करें वो थोड़ा दूर से आके ब्रेक करें तो अच्छा काम करता है ठीक है अब यहाँ पे प्रॉफिट हो गया इसके बाद ये वाला मैंने ट्रेड नहीं लिया था ये वाला मैंने मिस किया उसके बाद में मैंने अब दो ट्रेड मार दिए दो ट्रेड में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया तो शांति से बैठ गया जैसा मेरी आदत है कि एक या दो ट्रेड लेने के बाद मैं शांति से बैठ जाता हूँ और आप लोगों को हमेशा बोलता भी रहता हूँ कि ये मेरा ट्रेडिंग टाइम नहीं रहता है बारह साढ़े बारह बजे के लगभग ये मेरा ट्रेडिंग टाइम नहीं रहता है हमारे लर्निंग ग्रुप में पुरुषोत्तम भाई हैं उन्होंने हमें यहाँ पे इंटीमेशन भी किया कि भैया यहाँ पे भोंपू बन रहा है भोंपू समझते हो ना सब लोग कि नहीं समझते हो मैंने इसके पहले ही अपने लर्निंग ग्रुप में आप लोगों को बता दिया था क्या बता दिया था भैया कि यहाँ पे हमारा फिबो नाची रिट्रेसमेंट लग रहा है इसको आप लगा लीजिए ठीक है ना ये फिबो नाची रिट्रेसमेंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग रेडी हो गया था बीच में क्या हुआ कि यहाँ पे एक हमारे लर्निंग ग्रुप के मेंबर ने बोला कि सर यहाँ पे क्या बन रहा है भोंपू बन रहा है भोंपू मतलब ट्रायंगल है ना सीधी सी बात मैं भोंपू क्यों बोलता हूँ क्योंकि मैं गांव वाला हूँ और गांव वाली लैंग्वेज यूज करता हूँ ये मैं इसको बना देता हूँ मतलब भोंपू अपने समझने के लिए भैया देखो जिसको जो सूटेबल लगे वो आप लोग फॉलो कर सकते हो ठीक है ना भोपू नहीं बोलना किसी को मत बोलो ट्रैंगल बोलना हो ट्रेंगल बोल लो हिंदी में त्रिभुज बोलना हो त्रिभुज बोल लो कुछ भी बोल लो ठीक है ना इस तरह की कंडीशन जब बनती है ना तो ज़बरदस्त मूवमेंट आता है अब आज के हमारे ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी में आज चूंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी हम ज़्यादा इंटरेस्टेड निफ्टी में ही थे बैंक निफ्टी तो आज मैंने खोला भी नहीं पूरा जो मेरा फोकस था आज मेरा निफ्टी में ही था तो आज आप लोगों को देखने को मिल गया डंडा झंडा भी देखने को मिल गया स्केल्पिंग भी बता दी मैंने आपको साथ में आपको ये भोंपू बनता भी दिखाई दे गया ठीक है ना अगर आपने यहाँ पे भोंपू पे ट्रेड मार दिया होता क्यों मार दिया होते क्या रीजन है यहाँ पे भोंपू पे ट्रेड मारने का देखो आप मार्केट यहाँ से चलता हुआ रहा। आ रहा लेवल क्या आ रहा भैया यहाँ पे तीन सौ का लेवल आ रहा है तीन सौ से चल के आ रहा है कहाँ पे चार सौ के सौ पॉइंट का मूवमेंट हो गया अब जब सौ पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है उसके बाद मतलब इतनी दूरी तय करने के बाद ये हमारे थर्टी ई एम ए को यहाँ पर ये क्रॉस कर रहा है पहला रीजन दूसरा रीजन हमने जो ये भोपू बनाया हुआ है ये ये हमारे भोपू को ब्रेक कर रहा है क्यों ब्रेक कर रहा है उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अभी पैसा भरा जा चुका है घोड़े ने घास खा ली है यहाँ पर काफ़ी टाइम स्पेंड किया है एक हमारा अगर लगाना चाहो तो यहाँ पे हमारा एक क्या बन जाएगा बॉक्स पैटर्न भी बन रहा है तो एक ही जगह पे आज आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल गई है यहाँ पे हमने देखा कि छोटी छोटी कैंडल बनी है यहाँ पर घोड़ा यहाँ से चलता हुआ आया यहाँ पर रुका रुकने के बाद यहाँ पर घास खाया थोड़ा सुस्ताया सुस्ताने के बाद जब उसमें ताकत आ गई तो फिर भाग लिया यहाँ पे अब एक और सेटअप होता है भैया कौन सा सेटअप होता है आप लोगों को बहुत पहले बता चुका हूँ हालांकि काफ़ी टाइम से ये सेटअप बना नहीं था पूरे पूरे तीन महीने बाद ये सेटअप बना है जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची नाची रिट्रेसमेंट क्या बोलते हैं भैया तो आज जान लो हमारा फिबोनाची नाची रिट्रेसमेंट के बारे में भी उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको हटा देता हूँ ठीक है ना ये मैं हटा देता हूँ अगर आप लोग निफ्टी में आज निफ्टी की एक्सपायरी थी निफ्टी में ट्रेड किया तो निफ्टी में बताते हैं बैंक निफ्टी के बारे में बाद में बता देंगे ठीक है निफ्टी में आप लोगों को ध्यान रखना है क्या ध्यान रखना है कि कम से कम निफ्टी में कम से कम अस्सी पॉइंट का मोमेंट अगर हो चुका है उसके बाद आप फिवो नाची यहाँ से लगता है भैया देख लो फिवो नाची रिट्रेसमेंट आप अगर लगा रहे हो उसके हाई पॉइंट यहाँ पे मैंने हाई मार्क किया हाई से ले जाके इसके लो पॉइंट को आपको टच कर देना है ठीक है भैया लो पॉइंट यहाँ पे है ठीक है ना तो इसको थोड़ा सा से, -से खींच लो आपको ये हाई पॉइंट से लो पॉइंट को जोड़ना है आपने जोड़ दिया ठीक है अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जब अड़तीस परसेंट के लेवल पे पहुंच जाता है ये हमारा थर्टी एट परसेंट आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा थोड़ा और जूम कर देता हूँ देखो ये यह यहाँ पे थर्टी एट परसेंट लिखा हुआ है तो हमारी इंट्री थर्टी एट परसेंट के लेवल पे होती है ठीक है लेकिन मैं जो फॉलो करता हूँ वो फॉलो करता हूँ फोर्टी के ऊपर फोर्टी या फोर्टी टू परसेंट जब ऊपर हो जाता है दो तीन परसेंट चार परसेंट ऊपर ले चलता हूँ मैं अगर जैसे यहाँ पे ये यह लाइन हमारी आ रही ना ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी ये वाली लाइन ये कंटिन्यू ये ग्रीन कलर की चलती दिख रही है इसके ऊपर जब यहाँ पे इस लेवल पे पहुँचता है तो मेरी एंट्री होती है ठीक है भैया वैसे तो एंट्री हमारी यहीं पे बन रही है भोंपों के अकॉर्डिंग पहले ही एंट्री बन जाती है ठीक है लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर आप फॉलो कर रहे हो यहाँ पर तो आपकी एंट्री फोर्टी परसेंट या फोर्टी टू परसेंट पर हो जानी चाहिए करेक्टली ठीक है इसके बाद में आपका पहला जो टारगेट होता है वो होता है भैया सिक्सटी वन परसेंट का कितना सिक्सटी वन वन परसेंट का आपका फर्स्ट टारगेट होता है यहाँ पे ठीक है और सेकेंड टारगेट होता है आपका सेवेंटी एट परसेंट का राइट अब आप देखोगे क्या देखोगे भैया कि जब आप यहाँ पे एंट्री लोगे जब आप यहाँ पे एंट्री लोगे फोर्टी परसेंट पे तब ये एक बार सिक्सटी एट परसेंट जाके रिजेक्शन लेगा या कि यहाँ पे थोड़ा जाके रुकेगा जैसा कि ये कैंडल कभी यहाँ तक निकला हुआ है यहाँ तक इसने ये कह सकते हैं कि सिक्सटी वन परसेंट का यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया घोड़ा यहाँ से चला यहाँ तक आया थक गया वापस से यहाँ घास खाया घास खाने के बाद वापस से यह नेक्स्ट टारगेट के लिए निकला ठीक है ना तो फर्स्ट टारगेट हमारा सिक्सटी वन परसेंट का रहता है सेकेंड टारगेट हमारा रहता है सेवेंटी एट परसेंट का तो आप देखो यहाँ पे रुकने के बाद कितना रुकने के बाद सिक्सटी वन परसेंट से रिजेक्शन खाया और आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे तो हमारा यहाँ पे एन कंडीशन भी बन रहा है हमारा यहाँ पे एन कंडीशन भी बन रहा है हमारी यहाँ पे आप देखोगे अगर गौर से तो हमारी ये इनसाइड कैंडल भी बनी हुई है अब इनसाइड कैंडल बन गई एन पैटर्न बन गया सिक्सटी का रिजेक्शन खा के ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है फिर का एंट्री नहीं ले रहे हो ये आज एक्सपायरी थी एक्सपायरी पे बहुत तेज़ी से मूवमेंट होता है ये यहाँ तक गया इस कैंडल का विक यहाँ तक है ठीक है ना इस कैंडल का विक यहाँ तक है अब आप देखो चार सौ पचहत्तर से ले जाके कहाँ रख दिया पाँच सौ पचहत्तर आपकी एंट्री हुई यहाँ पे चार सौ पचहत्तर पे बाईस हज़ार चार सौ पचहत्तर के लेवल पे आपकी एंट्री हुई सौ पॉइंट का मोमेंट हुआ पाँच सौ पचहत्तर तक ले गया आप लोगों को हमेशा बोलता रहता हूँ कि जहाँ पे हमारा सेटअप बनता है एन कंडीशन बन जाए एन कंडीशन बन जाए आपको इनसाइड कैंडल दिख जाए एन कंडीशन यहाँ पे बन जाए इनसाइड कैंडल दिख जाए थर्टी ई को क्रॉस कर चुका हो आप बेधड़क एंट्री ले लो और कम से कम तीन कैंडल का वेट करो तीन नहीं कर सकते तो दो कैंडल तो वेट करो ही करो दो से तीन कैंडल का प्रॉफिट खाओ उसके बाद ही निकलो हमेशा बोलता रहता हूँ ना तो ये आप गांठ बांध लो आपके दिमाग में ये छाप लो मेरे पास सेटअप बहुत सारे हैं और मेरे को एकदम पैटर्न देखते से ही समझ में आने लग जाता है कि क्या चल रहा है वो तो अभी कुछ समस्याएं चल रही हैं तो अब मैं काम में थोड़ा इधर उधर उलझ जाता हूँ इस वजह से थोड़ा सा आ, चल रहा है प्रॉब्लम ठीक है बट चार्ट देखते से ही यूं समझ लो कि मुझे समझ में आ जाता क्या चल रहा है कहाँ पे मेरा कौन सा सेटअप बनेगा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फिबोनाची नाची रिट्रेसमेंट फॉलो करने के लिए आप अच्छा एक चीज़ और आप फिबोनाची नाची रिट्रेसमेंट सिर्फ डाउन साइड के लिए बस फॉलो नहीं कर सकते हो आप कभी मार्केट अप साइड जा रहा हो तो फिर वो नाची रिट्रेसमेंट फिर अभी हमने यहाँ से ऊपर से नीचे को मैच किया है फिर वहाँ से नीचे से ऊपर को मैच करेंगे वो नाची रिट्रेसमेंट हम दोनों साइड लगा सकते हैं ठीक है ना इस पर अब आप लोग पूछ सकते हो एक सवाल उठता है कि भैया एसएल पॉइंट क्या रहेगा सवाल उठता है ना कौन कौन जानता है फिवोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में बताइए जरा कमेंट करके हमारा एसेल पॉइंट क्या रहता है हमेशा ध्यान रखना अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड ले रहे हो तो आपका थर्टी एट परसेंट आपका एंट्री पॉइंट होता है और ट्वेंटी थ्री परसेंट जो रहता है आपका ट्वेंटी थ्री परसेंट वाली जो लाइन है ये आपका एसएल पॉइंट होता है ये आपका एसएल पॉइंट हो गया थर्टी एट परसेंट वाला ये आपका एंट्री पॉइंट हो गया ठीक है भैया तो मैं तो एंट्री चालीस परसेंट बयालीस परसेंट पर लेता हूँ थोड़ा दो परसेंट और ऊपर जाके ठीक है तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि फर्स्ट टारगेट आपका सिक्सटी वन परसेंट रहेगा सेकेंड टारगेट आपका थर्टी सॉरी सेवेंटी एट परसेंट रहेगा थर्ड टारगेट रहेगा आपका पूरा हंड्रेड परसेंट यहाँ तक का ठीक है जैसे जैसे लेबल्स ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे वहाँ पे वो रिजेक्शन लेता जाता है कभी भी मार्केट वन वे नहीं जाएगा ध्यान रखना वन वे नहीं जाएगा या तो रुकेगा या तो थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा पुल बैक जरूर करेगा ठीक है तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ अगर समझ में आ गया है तो बोलो सीताराम ठीक है देखो अब आप लोगों को मेजर क्या बताना चाह रहा था कि आज के आज ही मार्केट ने कितना बड़ा मूवमेंट कर दिया कितना बड़ा मूवमेंट कर दिया पहला ट्रेड यहाँ पे मारा ठीक यहाँ से यहाँ तक अगर किसी ने ले कर छोड़ दिया होता आज तो आज तो करोड़पति बन गया होता ठीक हो देखो यहाँ से क्या लेवल आ रहा है भैया छः सौ अठारह से ले जा कर इसने कहाँ रख दिया तीन सौ मतलब तीन सौ अठारह पॉइंट तो डाउन साइड का और अप साइड का भी यही तीन सौ के लेवल से यहाँ पे रख दिया पाँच सौ अस्सी के लेवल पे है ना तो दो सौ अस्सी पॉइंट नीचे से ऊपर का मिल गया है ना टोटल आपको कितने मिल गए पाँच छः सौ पॉइंट का मूवमेंट हो गया आज के आज ही निफ्टी में दोनों साइड का और जहाँ पे भी रुका है वहाँ पे ट्रेड दिया है बस आपको ज़रूरत थी पकड़ने की अब भैया खास बात ये है कि ये जो ये आपको ये ट्रेंड लाइन ये चलती दिखाई दे रही है दिख रही है ये यार रही ना ये वही लाइन है जो आप लोगों को कल डेली टाइम फ्रेम में ड्रॉ करके दिया था ये वही लाइन है मैंने क्या बोला था कि इस लाइन के अगर ऊपर निकलता है तो अपसाइड जाएगा याद आया आप लोगों को कुछ है मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम में कल की क्लास में बताया था ना कि डेली टाइम फ्रेम में वहाँ पे आप लोगों को ड्रॉ करके बताया था तो आप ये ट्रेंड लाइन अगर देखते तो जब इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और नीचे साइड का मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा ठीक इसको नीचे भी खींच दिया उसने अब नीचे से जब ऊपर जा रहा है और यहाँ पे इसने इस टैंड लाइन को ब्रेक कर दिया ब्रेक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया अभी भी इससे चिपक के चल रहा है और इसको ऊपर जब यहाँ पे ये यह कर रहा है ना अब ये फिबोनाची हटा रहा हूँ देखो फिबोनाची हटा दिया मैंने अब देखो इसको भी हटा देता हूँ तो और ज़्यादा क्लियर आएगा समझ में देखो ये भी मेरी फेवरेट कैंडल है कौन सी बताओ जरा कमेंट करके बताओ कौन से कैंडल की बात कर रहा हूँ ये वाली कैंडल दिस कैंडल ओनली विच कैंडल इज कॉल्ड इज इट पुरुषोत्तम कुमार कल का मार्केट कैसा रहेगा है? बताते हैं भैया बताते हैं कमेंट करो जरा ये कौन सी कैंडल है कौन कमेंट करेगा किसको पता है फिर वीडियो दिखाता हूँ सुबह का जो मैंने रिकॉर्ड किया था है ना कमेंट कीजिए फटाक से चलो बता देता तो भैया ये है हमारी है इन्वर्टेड हैमर है कैंडल ये कैंडल जब कभी ऐसी सिचुएशन में बनती दिखाई दे ऐसी सिचुएशन में बनती दिखाई दे आप लोगों को बिल्कुल चूकना नहीं है क्योंकि ये कैंडल जहाँ पर भी बनती है जहाँ पर भी बनती है ये आपको कंडीशन ये होना चाहिए मार्केट नीचे से थोड़ा ऊपर आए ऊपर आने के बाद छोटी छोटी कैंडल अगर बना रहा है धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और ये कैंडल दिख जाए पक्का आपको ये ऊपर लेके जाएगी ही जाएगी है ना इनवर्ट अरे मोहित दास कहाँ से डोजी तुम डोजी कहाँ ढूंढ रहे हो इन्वर्टेड हैमर है ये उल्टा हैमर हाथौड़ा थोड़ा सा वो है है ना तो यहाँ पे ये कैंडल बनती दिखाई दे जाती है तो मैं तो बिल्कुल नहीं चूकता हूँ भैया है ना लेकिन ये वाला ट्रेड मैंने आज मिस किया था मैंने ट्रेड यहाँ मारा था ये जब एन कंडीशन बनी थी ये बना था एन कंडीशन इन, इन साइड कैंडल बन गई प्लस हमारा थर्टी परसेंट थर्टी एट परसेंट के ऊपर ये सिक्सटी वन परसेंट के जो रिजेक्शन है यहाँ पे उसके बाद से मैंने सेकेंड टारगेट के लिए फिवोनाची रिट्समेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट खाया और इसके बाद थोड़ी इच्छा तो थो हुई थी जीरो हीरो करने की बट ज़ीरो हीरो मैंने नहीं किया ठीक है जीरो हीरो मैंने नहीं किया क्योंकि आपको मार्केट यहाँ पे दे दिया अच्छा मोमेंट यहाँ पे अच्छा मोमेंट दे दिया तो आप क्या लास्ट में यहाँ पे उसको चाहते हो कि अभी चार सौ पॉइंट का और अपसाइड साइड का मोमेंट कर दे नहीं करेगा क्योंकि जितना मोमेंट उसको करना था वो कर चुका है ठीक है हाँ डाउन साइड का थोड़ा हो सकता है ये डाउन साइड का आप लोगों को अच्छा मूवमेंट जिन्होंने किया होगा पुट साइड का लेकिन मेरा मानना ये रहता मैं अपनी बात बता रहा हूँ भैया किसी और की नहीं मैं अपनी बात बता रहा हूँ जब मेरा प्रॉफिट हो जाता है तो फिर मेरी कोशिश ये रहती कि आज का प्रॉफिट मैं घर ले कर जाऊँ लास्ट में जीरो हीरो करके ना गवाऊँ लास्ट में जीरो हीरो हिर, करके गंवा के न जाऊँ मेरी ख़ास आदत है मेरी फिर यहाँ पे हिम्मत नहीं पड़ती है क्यों क्योंकि अक्सर आप लोगों को ये सुनने को मिला होगा मेरे मुंह से क्या कि यहाँ पे खाने वाले खा के चले गए यहाँ पे खाने वाले खा के चले गए यहाँ आप झूठी पत्तल उठाने जा रहे हो है ना झूठी पत्तल उठाने जा रहे हो भैया दिन भर में जब अच्छा मौका बना तब तो आप ट्रेड कर नहीं पाए अब आप लास्ट में यही ना दोने पत्ते उठाने आ रहे हो ट्रेड करना था तो यहाँ करना था या कि यहाँ करना था यहाँ करना था लास्ट में जीरो हीरो करने का आए हो मार्केट ने तो आज आपको दिन में ही अच्छा खासा मोमेंट दे दिया चलो वीडियो दिखा देता हूँ सुबह का जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था थोड़ा सा है ना तो दिखा देता हूँ वीडियो चलो भैया देख लो वीडियो 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 लास्ट लास्ट में हुआ क्या ये कौन सा वीडियो है? अच्छा बीस सेकेंड का रुक जाओ एक और है चार एक अच्छा ये वाला है वीडियो के ऊपर बीडियो देखो भैया ये डंडा लग गया लाइव मार्केट का है ये है ना लाइव मार्केट का है ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसका मैं सेशन यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ ठीक है देखो आप यहाँ पे लाइव मार्केट का वीडियो चल रहा है मैंने रिकॉर्ड किया था मैंने ट्रेड और कहाँ पे ट्रेड मारा था वो भी मैंने यहाँ पे वो डंडा लगा दिया था सिर्फ इस पर आपको यही दिखेगा ये भी आप लोगों को दिख रहा होगा जो मैंने आप लोगों को बोला क्या बोला भैया आप लोगों को कि मैं पूरी नज़र रख रहा था पाँच मिनट के टाइम फ्रेम में और वन मिनट टाइम फ्रेम में ठीक है ना स्ट्राइक प्राइस भी यहाँ पे अलग अलग सेलेक्ट करके और चेकिंग चल रही थी ट्रेड तो मेरा वहीं पे एग्जीक्यूट हो गया था ठीक है अब यह चेकिंग चल रही है कौन से स्ट्राइक प्राइस पे क्या चल रहा है कितना मोमेंट बन रहा है देखो भैया हैं चलने दो थोड़ा देख लो तो शायद कुछ समझ में आ जाए किसी को बोरिंग फील तो नहीं हो रहा है ना भैया लाइव मार्केट का वीडियो दिखा रहा हूँ मतलब लाइव मार्केट सुबह मैंने जो ट्रेड मारा था ये ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को बताने के लिए मैंने यहाँ पे ये किया था कि यहाँ पे मैंने ये ट्रेड मारा था यहाँ पे कितने रुपए में देखो लेवल क्या आ रहा है यहाँ पे तिहत्तर तिहत्तर चौहत्तर रुपये में मेरा ट्रेड एक्चुकेट हुआ था ठीक है ना तिहत्तर चौहत्तर रुपये से ये यहाँ तक गया था एक सौ तीस तक ठीक है नहीं एक सौ यहाँ पे एक सौ तीस हाँ तीस तक गया था यहाँ पे अब देखो चल रहा है एक प्रॉफिट बुक हो चुका है अब ये एक प्रॉफिट बुक होने के बाद देखना दूसरा स्ट्राइक प्राइस दे ले कर चलूँगा वहाँ पर देखना अभी थोड़ा सा कितने मिनट का वीडियो है ये चौंतीस मिनट का वीडियो रिकॉर्ड चौंतीस मिनट का वीडियो तो नहीं देख पाओगे आप लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ ठीक यहाँ पे अब ये यहाँ पे नीचे आके कंसोलिडेशन कर रहा है अब यहाँ पे ये मैंने स्ट्राइक प्राइस देखो यहाँ पे वही चल रहा है अभी ये नीचे आया अब यहाँ पे क्या चल रहा है ये वन मिनट टाइम फ्रेम में अभी भी वन मिनट टाइम फ्रेम में लगा है यहाँ पे क्या है पाँच मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी एक बार देखा कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है ठीक वापस से आ गया मेरे स्ट्राइक प्राइज पे ये मैंने वापस से स्ट्राइक प्राइज़ पे लाया और उसको यहाँ पर अब वेट कर रहा हूँ अभी भी ये यहाँ पर आया ठीक ये वन मिनट टाइम फ्रेम में ही चल रहा है ये कॉल साइड का है ये मैंने कॉल साइड का भी चेक किया कि कॉल साइड में क्या चल रहा है ठीक है ये कंडीशन यहाँ पे बना के रखी है कि अगर नीचे कहीं आके सपोर्ट लिया सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर निकलता है तो ये हमारा कॉल साइड के लिए भी मैं रेडी हो जाऊँगा ठीक है भैया चलो ये मैंने दूसरा यहाँ पर सपोर्ट लाइन लगाया कि ये यहाँ पर इस लेवल पर आके सपोर्ट ले रहा है सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को खाली दिखाने के लिए ही यहाँ पर रिकॉर्ड की है सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड किए कि क्योंकि मैं जब आप ट्रेड लेता हूँ ना तो क्या क्या कंडीशन देखता हूँ फटाफट फटाफट क्या क्या, फटा -फट, फटा -फट क्या, -क्या चीज़ें चेक कर लेता हूँ वो आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए ये यहाँ पे चल रहा है ठीक है देखो वो पुट के वहाँ पे मैंने वो लगा के रखा सपोर्ट लगाया अब यहाँ पे एक बार कौन सा पुट ले रहा हूँ चार वही है पाँच सौ का पुट बाईस हज़ार पाँच सौ का पुट ये मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची सारी चीजें आप लोगों को सिखाने और दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने सपोर्ट लगाया ये तीसरा सपोर्ट है ये तीसरा सपोर्ट था ठीक है आप देखो अभी भी यहाँ पे निफ्टी का चार्ट वन मिनट टाइम फ्रेम में लगा हुआ है देखते जाना जितनी देर ये रिकॉर्ड किया है मैंने आप लोगों को अभी देख के मजा ही आने वाले हैं जबरदस्त मजा आने वाला लाइव मार्केट का वीडियो आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाने का पर्पज़ यही है आप लोग सीखो ये एक डंडा लगाया ये पाँच मिनट टाइम फ्रेम में एक डंडा लगाया देखना अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ देखना समझना मैंने ये डंडा लगाया अब मैं वेट कर रहा हूँ कि इस डंडे को नीचे साइड ब्रेक करेगा तो मैं एंट्री ले लूँगा देखना क्या होता है ये हमारी डोजी कैंडल बनी छोटी डोजी इनसाइड कैंडल क्लासिकल डोजी बनी आप लोगों को शायद दिख रहा होगा है ना डोजी बनी यहाँ पे कैंडल और ये मैं वेट कर रहा हूँ अभी सेकेंड टाइम का ट्रेड लेने का यहाँ पे अब देखना 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 ये वन मिनट टाइम फ्रेम में वापस से चेक किया मैंने वन मिनट टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है एक ये मारा ये मार दिया अब वहाँ पर पाँच मिनट टाइम फ्रेम में मेरा ट्रेड एक्सिक्यूट ये अभी चल रहा है ये रुका मैं थोड़ा सा ये मैंने कर्सल कुछ नहीं किया मतलब मैं मोबाइल से एंट्री ले रहा हूँ एंट्री बन गई मेरी अब समझना इंट्री बन गई थी मेरी यहाँ पे अब इंट्री बन गई है मेरी यहाँ पे नाइन्टी फाइव रुपीज़ में बनी थी अब देखना समझने वाली बात यही है अब समझना यहाँ पे मेजर चीज़ यही बताने वाला हूँ आपको ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है नाइन्टी फाइव की एंट्री की चीज़ अब देखो यहाँ पे गई ये गया अभी एक सौ आठ एक सौ आठ अब ये नीचे पलटेगा अब देखना अब कोई भी व्यक्ति होगा क्या करेगा न्यू बिगिनर जो होगा वो क्या करेगा अरे मार गया मार गया नीचे मार गया निकलो 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 अब मैं यहाँ बता रहा हूँ मेरी एंट्री इस लेवल पे करने की थी लेकिन यहाँ पे ऊपर हुई थी मेरी इंट्री ऊपर क्योंकि वहाँ पे ठीक आप देखो आप देखो भैया एट्टी एट मेरी बाइंग कितनी नाइन्टी फाइव की आप देखो एट्टी सेवन एट्टी सेवन ट्रेड मारते मारते लेट हो गया था एक्चुअली मारना यही था एट्टी एट्टी के लगभग वो टेड मारते मारते एक ही झटके में जब ये कैंडल ये आई थी ना ये कैंडल तभी मैं लेट हो गया था वो इस चक्कर में थोड़ा लेट इंट्री हुई देखना भी गेम यही है मेजर चीज़ यही बताने वाला आप देखो मैंने इस इनसाइड कैंडल को देख के इस कैंडल में एंट्री ले ली ठीक मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ जब डंडा झंडा पे ट्रेड लेते हो या कोई भी सेटअप पे ट्रेड लेते हो सीधा से ज़्यादा अगर आपको कुछ नहीं आता है ना एक काम कर लो क्या काम कर लो जिस कैंडल में आप इंट्री ले रहे हो जिस कैंडल मेरी के, इस कैंडल में एंट्री हो गई एंट्री इस कैंडल में हुई थी ना जिस कैंडल में आप एंट्री ले रहे हो उसकी प्रीवियस कैंडल का हाई पॉइंट अगर पुट ले रहे हो तो प्रीवियस कैंडल का हाई पॉइंट अगर कॉल ले रहे हो तो प्रीवियस कैंडल का लो पॉइंट आपका एसिल पॉइंट है ये मैं एक बार नहीं आप लोगों को हज़ार बार बता चुका हूँ तो मेरे को इंतज़ार तब तक करना है जब तक ये यहाँ तक नहीं पहुँच जाता है या कि मेरे इस डंडे को भी ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दे देता है अब मैंने वापस से ये डंडा क्यों लगाया क्यों लगाया कि यहाँ पे इसने दो बार सेम पैटर्न पे मतलब दो बार वहाँ पे क्या ले लिया उसने सपोर्ट ले लिया तो अब मैं प्रीमियम में भी एक बार नज़र रख रहा हूँ यहाँ पे देखो डर सबको लगता है मैं भी डरता हूँ ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं डरता हूँ मुझे भी डर लगता है कई बार ऐसा भी होता है कि हमने एंट्री यहाँ पे ले ली और एक ही कैंडल मार के यहाँ तक निकल जाती फिर अपन टाइम टाइम फिक्स हो जाते हैं है ना तो हमको तो इंतज़ार ये करना कि अगर ये नीचे वाला डंडा ये जो कैंडल बन रही है नीचे वाले डंडे को ब्रेक करके इसके ऊपर यहाँ निकल जाए और यहाँ क्लोजिंग दे दे यहाँ अगर क्लोजिंग दे देगा तो मैं निकल जाऊंगा ठीक है अब देखो गेम देखना गेम इसी को बोलते हैं एस एल क्या बोलते हैं भैया एस एल हंटिंग मार्केट को जाना तो नीचे ही था लेकिन आप लोगों को बिगिनर्स लोगों को डराने के लिए एक कैंडल कितनी बड़ी बनी और प्रीमियम के चार्ट पे अभी देखना प्रीमियम के चार्ट में कितना बड़ा फर्क पड़ा एक सौ दस की चीज़ कहाँ चल रही थी अभी आपने देखा ना वहाँ पे अस्सी पे चल रही थी अस्सी अट्ठासी पे चल रही थी एक ही कैंडल देखो आप प्रीमियम चूँकि एक्सपायरी थी एक्सपायरी के दिन ज़्यादा मोमेंट होता है अब देखो नेक्स्ट कैंडल में तो मज़े आ जाएंगे आपको देखना थोड़ा और बढ़ाता हूँ तो आप लोगों को जल्दी इस चीज़ें समझ में आएंगी थोड़ा और बढ़ाता हूँ ये निफ्टी का चार्ट पाँच मिनट टाइम फ्रेम ये हुआ ये वन मिनट टाइम फ्रेम में ऊपर गया नेक्स्ट कैंडल देखना वन मिनट टाइम फ्रेम में धड़ाम से नीचे लेके आएगा ये वन मिनट टाइम फ्रेम में आ गया ठीक थोड़ा और करता हूँ ये देखो नेक्स्ट कैंडल भी देखो गेम तो अब हुए गेम अब हुए कहाँ तक आया नीचे नीचे देखो इसका लेवल देखो यहाँ पे क्या लेवल आ रहा है भैया यहाँ पे लगभग लगभग सत्तर पचहत्तर पे लेके आया होगा ये लेवल यहाँ पे हाँ पचहत्तर के समथिंग लेके आया मेरी बाइंग कितने की थी भैया आप लोगों को बताया ना नाइन्टी फाइव की बाइंग और पचहत्तर रुपये नीचे लेके आया मतलब बीस पॉइंट में यहाँ पे इंतज़ार पे बैठा था ये जो डंडा लगा रखा ना नीचे ये वाला डंडा ये डंडा इसीलिए लगाया कि अगर यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा सत्तर रुपये मैंने नीचे ऐसे लगाया और मतलब पच्चीस रुपये का वो मैं लेके बैठा था क्योंकि एक्सपायरी मूव है अब देखो यहाँ पे मजे मजे अब जाने दो ये काहे का है कॉल का कॉल का, का भी देख रहा था कि कॉल पे क्या चल रहा है ठीक अब ये देखो मजे मजे ठीक प्रीमियम में देख लो भैया एक बार प्रीमियम में देखो ये देखो प्रीमियम देखो आप तो कुछ मत देखो प्रीमियम देखो पंचानवे की चीज एक सौ साठ टच कर गई है अभी और देखो इतने में रुकना मत अभी और देखो मजे रुकना रुकना अभी और मजे कहाँ गए मज़े पे मज़े कितने मजे लोगे फाइनली कहाँ तक गया वो दो सौ दो सौ यहाँ पे दो सौ दस दो सौ पंद्रह पे गया था यहाँ पे नहीं कितने तक हाँ दो सौ दस पंद्रह पे यहाँ पे लगभग गया था मैं आप लोगों को कहा बोलता हूँ भैया तीन कैंडल अगर वन मिनट टाइम फ्रेम में ले रहे हो तीन कैंडल बस ज़्यादा नहीं तीन कैंडल खा लो इसके बाद मजे करो बस कुछ नहीं करना है तो ये हो गया भैया वीडियो कंप्लीट आप लोगों के लिए ऐसे ही रिकॉर्ड कर लिया था कि आप लोगों को दिखाऊंगा शायद कुछ समझ में आए तो ट्रेड करते समय ना डर भी लगता है आपके इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है है ना आप लोगों को इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है अरे भाई तू जा इमोशंस मेन इमोशंस ही रहते हैं कि एंट्री अगर आपने सही जगह मारी है फिर मत डरो फिर चुपचाप बने रहो है ना कम से कम जैसे मैं बोलता हूँ ना कम से कम तीन कैंडल का प्रॉफिट तो खाओ ही खाओ मत करो ज़्यादा तीन कैंडल का प्रॉफिट खा लो बस हो गया जाने दो कुछ मत करो ठीक है भैया चलो आज की क्लास आप लोगों को आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी और नहीं मिली हैं तो सीताराम बोलो मिल गई हैं तो भी सीताराम बोलो है ना हाँ हमारे पुरुषोत्तम भाई हमारे ग्रुप में है हमारे लर्निंग ग्रुप में जो न्यू व्यूवर्स देख रहे हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं एक नंबर नीचे फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा है एट नाइन सिक्स टू फोर टू फाइव टू जीरो थ्री वो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर में आप लोग व्हाट्सअप करके हमारे लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं और आपके डाउट्स वहाँ पे गूगल मीट में क्लियर कर सकते हैं अभी जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं अगर वो यहाँ पे उनका कुछ क्वेश्चन हो कुछ डाउट्स हो तो यहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हो तब तक मैं यहाँ पे बाईस तीन सौ का पुट दिखाता हूँ जो कि हमारे पुरुषोत्तम भाई ने लिया था पाँच रुपये में और उनकी हिम्मत देखना होल्ड करने की हिम्मत देखना उन्होंने देखा कि भैया पाँच रुपये में तो खरीदा है पाँच रुपये से और क्या कम जाएगा उन्होंने टारगेट सेट कर दिया था पाँच रुपये की चीज़ पचपन रुपये में और वो पचपन रुपये की चीज़ पचहत्तर या पचासी रुपये तक गई थी चलो प्राइस देखते हैं यहाँ पे बाईस तीन सौ का फुट उन्होंने बोला था कि आज की क्लास में ये ज़रूर बताइएगा गुरु जी क्योंकि दूसरा व्यक्ति होता ना तो वो पक्का क्या करता निकल जाता क्यों निकल जाता क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पाँच रुपये में एकदम एकदम बॉटम में खरीदा एकदम बॉटम में ख़रीद के कोई भी व्यक्ति होता तो यहाँ पे ये इकतालीस रुपए पे गई नहीं बेचा उन्होंने वापस से एक बार नहीं दो बार यहाँ पे दो बार ये पैंतालीस पैंतालीस रुपए पे गई ये स्क्रिप्ट उन्होंने नहीं बेचा जब ये एक ही कैंडल यहाँ पे मार गई तो उन्होंने तो टारगेट सेट कर दिया था पचपन रुपये का तो यहाँ पे उनका ट्रेड एक्सिक्यूट हो गया पचपन रुपये में लेकिन वो गया कहाँ तक देखो आप अस्सी रुपये टच करके आया तो ये होता अच्छा एक चीज़ और देख लो ये पाँच मिनट टाइम फ्रेम में है ये पाँच मिनट टाइम फ्रेम में है अब देखो इन्होंने यहाँ पे ट्रेड मारा पाँच रुपये में टाइम क्या था यहाँ पे नौ बज के बीस मिनट ये कैंडल कितने के बजे की है दस बज के पचास मिनट लगभग लगभग उनको कितना लगभग लगभग डेढ़ घंटे का यहाँ पे वेट करना पड़ा इतनी देर तक कोई होल्ड करेगा क्या नहीं करेगा पहली चीज़ दूसरी चीज़ ज़्यादातर लोग क्या करेंगे कि यहीं पे यहीं पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे निकलना भी चाहिए लेकिन कभी कभी आप लोग जब ज़्यादा देर होल्ड कर लेते हो मार्केट का मूवमेंट समझ में आ गया कि वन वे है तो फिर बने भी रह सकते हो वैसे मैं क्या करता हूँ इस कंडीशन में एक बार ये ऊपर गया प्रॉफिट बुकिंग कर ली फिर मैं यहाँ पे क्या करता इनकी जगह में होता तो क्या करता मैं ट्रेंड लाइन मैंने लगाया यहाँ पे और यहाँ पे नोट किया जैसा आप लोगों को बताता हूँ ये मैंने एक और नीचे लाइन लगाई यहाँ पे मैं लगाऊँगा सपोर्ट नंबर वन सपोर्ट नंबर टू और सपोर्ट नंबर थ्री ठीक है भैया ठीक है ना तो थ्री वाला तो हमारा वैसे ही दे जाएगा तो जितनी बार स्टैंड लाइन पर सपोर्ट पर आएगा मैं उतनी बार उसको ख़रीद लूँगा ठीक है तो चलो आई होप आप लोगों को आज बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई होंगी और अगर सीखने को मिली हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए कुछ हमारा भी हमारी तरफ भी ध्यान दे लो आप लोग सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाओगे तो मैं ऐसे थोड़े ना पढ़ाता रहूँगा मुझे भी तो मज़ा आना चाहिए जब आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो है ना तो ऐसे ही सीखते रहिए समझते रहिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग है ना और जो लोग नहीं सीखना चाहते हैं भैया उनके लिए एक और डायलॉग है कौन सा आओ तो वेलकम जाओ तो भीड़ कम है ना एक और डायलॉग है मेरा जब मार्केट साइड वेज हो जिस दिन उस दिन हमको ट्रेड नहीं करना उस दिन के लिए हमको एक डायलॉग हम आप लोगों को क्या देते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं है ना हमेशा बोलता रहता हूँ बुलाती है मगर जाने का नहीं वो इसीलिए बोलता रहता हूँ भैया ट्रेड आप लोग एक चीज़ और बोलूँ आप लोगों को आप लोग अगर मेरे साथ ट्रेड करोगे मेरे साथ इन देंस कि अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप लोग धीरे धीरे ये सीख जाओगे कि किस दिन ट्रेड लेना है किस दिन ट्रेड नहीं लेना है मैं बोलता हूँ आप लोगों को पर डे ट्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं है हफ्ते में आपको एक या दो दिन अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं उस दिन ट्रेड करो ठीक है और कोशिश करो कि दो तीन ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड मत मारो ओवर ट्रेड करोगे लॉस करोगे आज का तो खैर मार्केट ही अलग था मज़े ही आ गए हाँ ठीक है चलो किसी को और कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लो नहीं तो बंद करें लाइव सेशन पूछो भैया जल्दी कुछ नहीं पूछना नहीं। लगता है सब सीख गए कल सेंसेक्स का एनालिसिस मोहित दास सेंसेक्स के अब वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा मोहित तो सेंसेक्स की सुबह वीडियो बना के चार पांच मिनट की वीडियो बना के डाल दूंगा कल सुबह ठीक है कल सुबह डाल दूंगा वहाँ पे देख लेना आप लोग तो लाइव सेशन बंद करने से पहले एक चीज़ आप लोगों को और दिखा देता हूँ कि जो लोग हमारे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हों वो लोग हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं गांव वाला ट्रेडर में जाना है आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल में जाके गांव वाला ट्रेडर आपको सर्च करना है सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे तीन चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा एक ज्वाइन करने का जब आप सर्च करोगे ना तो यहाँ पे ज्वाइन करने का दिखेगा आप लोग ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो जस्ट जो ज्वाइन जो करना चाहते हैं उनके लिए है सब लोगों के लिए नहीं है जो लोग करना चाहते हों उनके लिए ठीक है भैया चलो बस इतनी ही जानकारी देना थी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का चैनल को देखने के लिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कीजिए सीखते रहिए समझते रहिए और ऐसे पैसे छापते रहिए मेरी यही शुभकामनाएँ हैं आप लोगों के साथ देखिए बिना सीखे तो कुछ नहीं होना है सीखोगे तो ही हो पाएगा है ना तो चलो आज का लाइव सेशन बंद करते हैं कल सुबह आप लोगों को दो वीडियो मिलेगी एक पर्टिकुलर फ्यूनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर मिल जाएगी और दूसरा कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है उस पर भी एक चार मिनट की वीडियो मिल जाएगी सुबह सुबह दो वीडियो आप लोगों को कल मिलने वाली हैं ठीक है भैया जय हिंद जय भारत